मंशा तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा, शायद लालचंद हलवाई के दुकान का, शायद कलाकंद या गाजर बाग, शायद हमारे समाज में कोई बिरला ही होगा जिसने शायद उसका उसका वो खाया ना हो या स्वाद ना चखा हो। श्रवण जी मेरे मौसा जी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और मैं वो अब समाज को किसी ना किसी रूप में लौटाना चाहता हूँ। मेरे दादाजी लालचंद हलवाई सुंदर सा पार्क एक बने, मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा और उसके अंदर एक आज यूथ विंग के मेरे लाडले भाइयों के लिए एक जिम हो। वार्ड नंबर 12 सफीदों की मैं बात करूं तो कुणाल मंगला यहां पर सर्व समाज के साजले उम्मीदवार हैं, महाजन कम्युनिटी से आते हैं और अब वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। हमारे साथ मंगला जी है, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑफिस पर पहुंचने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला जी, जानना चाहूँगा, आप बिजनेसमैन परिवार से हैं, खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस है, राजनीति में आने की, काउंसलर चुनाव लड़ने की क्या मंशा जगी? मंशा तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा। वार्ड के अंदर जो भी काम ऐसे हैं कुछ जो पेंडिंग हैं या वार्ड के लोगों की समस्याओं के लिए जो लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है, तो यही मोटिव है मेरा कि आम जन को, मेरे वार्ड के जिम्मेवार नागरिकों को कोई किसी किस्म की कोई समस्या ना हो, उनका घर बैठे समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा और कोशिश करूंगा कि मैं मेरे वार्ड के लोगों को इधर उधर चक्कर काटने ना पड़े, कोई कमेटी के काम के लिए, कोई साफ़ सफाई के काम के लिए, कोई सड़क अगर कोई ख़राब है, कोई वार्ड में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है उसके लिए मेरे समाज के लोगों को कहीं जी। मंगला जी, आप एक कारोबारी हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर जनता आपको पार्षद बना देती है तो उसके बाद वो आपको ढूंढती रहे, क्योंकि एक पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, छोटे से कागज़ पे साइन करना हो या कहीं गवाही करनी हो तो बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप एक बिजनेसमैन हैं, ढूंढने से मिल तो जाएंगे ना अपने वोटरों को? ऐसा नहीं है, मेरा ऑफिस है, ये परमानेंट ऑफिस है अनाज मंडी, अनाज पुरानी अनाज मंडी में है और यहाँ बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल मिलूँगा। आपको लोगों को कोई किसी किस्म की जो भी उनकी समस्या होंगी, पार्षद के नाते मेरा जितना भी फ़र्ज़ बनता है मैं उसको पूरा निवारण करने की कोशिश करूँगा, ये मैं बिल्कुल अपना जिम्मेवारी लेता हूँ इस बात की। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी इधर उधर, मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए मान लेते हैं कि जनता आपसे प्यार करती है, आपको वोट से भी वो नवाजती है, ईवीएम के खटके खूब दबाए जाते हैं 19 तारीख को, जब 22 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो पार्षद आप बन जाएंगे, काउंसलर आप बन जाएंगे, लेकिन जनता सवाल सबके जहन में होगा, जाहिर तौर पर जो वार्ड 12 की जनता है वो भी अब सोच रही होगी कि प्रतिद्वंदी तो वार्ड 12 में और भी हैं आपके सामने, वो आप ही को क्यों चुने, आप में उनसे बेहतर क्या है, किस वजह से, किस खासियत से आपको चुना जाए? देखिए, मैं एक सिर्फ और सिर्फ ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई मंशा सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा, समाज के लोगों की सेवा करने की है। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ और व्यापार से मैंने अपनी आजीविका का साधन पूरा कमाया के बनाया हुआ है और मैं समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और मैं वो अब समाज को किसी ना किसी रूप में लौटाना चाहता हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा ये मोटिव है, मुझे कोई मेवा खाने की मंशा नहीं है, मेरी कोई लालच नहीं है कोई कमेटी से या कुछ भी, मैं सिर्फ समाज के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आपके लिए एक और अफवाह है कि जो श्रवण गर्ग, गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण गर्ग हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनका नाम लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, आप कहते हैं कि विकास वार्ड का अलग से कराया जाएगा क्योंकि आपके सीधे संबंध चंडीगढ़ से हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दराई नहीं है कि श्रवण जी मेरे मौसा जी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है बचपन से लेकर आज तक और बिल्कुल वो आज सरकार के अंदर सम्मानित पद पर हैं, बेदाग छवि के नेता हैं वो जी। और बिल्कुल इस बात का निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा मिलेगा और मैं पूरा ये बात
बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि समाज के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, वार्ड की किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं, मुझे मैं उस बात का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करूंगा कि मैं मेरे समाज के लोगों का बिल्कुल जो भी काम है मैं बिल्कुल तन मन धन से पूरे तरीके से मैं समाज की सेवा करने का बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सी बात है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा है तो मैं बिल्कुल फायदा बिल्कुल विकास भी कराएंगे। मंगला साहब, आप विकास भी कराएंगे, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वोट भी आप ले लेंगे, विकास भी करा देंगे, लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि मंगला साहब तो बाहरी हैं, तो कैसे फिर जनता आपको प्यार देगी, आपको वोट देगी? नहीं, मैं देखिए अब रूमर्स बाजार में क्या है, समाज में क्या है, मैं उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा, बट मैं अपने बारे में बड़ा सीधा सा एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं कुणाल मंगला, मेरे दादाजी लालचंद हलवाई, हमारी बिल्कुल पुरानी अनाज मंडी जो हमारे 12 वार्ड में पड़ती है जी। आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब से 30-40 साल 50 साल जरूर हो गए होंगे, पुराने हम आदमी मतलब वासी हैं अपने वार्ड के, और शायद लालचंद हलवाई के दुकान का शायद कलाकंद या गाजरबाग शायद हमारे समाज में कोई बिरला ही होगा जिसने शायद उसका जी। उसका वो खाया ना हो या स्वाद ना चखा हो। तो मैं मतलब बाहरी, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कोई समाज में, अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो कोई मुझे बाहरी कहेगा हाँ कि कोई मुझे बाहरी का कोई नारा दे सकता है। मेरा मकान, मेरी दुकान भी है यहाँ पुरानी अनाज मंडी में अभी भी है, और 50 साल से शायद जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब से देख रहा हूँ मैं, मेरे दादाजी का लालचंद हलवाई का नाम शायद पूरे समाज में है। और तो बाहरी कहना कहीं ना कहीं आपके कैंपेन को ख़राब करना या आपकी छवि को ख़राब करने के लिए एक सिगुफा छोड़ा गया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं देखो रूमर्स बाजार में मैं अपने तरफ से मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं, आप भी ये बात आप समाज में आप जाइए, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप लोगों से पूछिए। बाहरी का नारा कोई कैसे मेरे बारे में दे देगा मुझे समझ नहीं आता है। और इवन बल्कि पुरानी अनाज मंडी के पुराने बाशिंदों में से हैं हम, और उसके बावजूद जो हमारा दूसरा एक अपना हमारा गुरुद्वारा गली जो पड़ती है उसमें भी हमारा मकान हुआ करता था, और वहाँ भी हम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब इसमें रचे बसे हैं इस वार्ड में। अब आपने कहा कि आप इस वार्ड से हैं, जनता के साथ आपका स्नेह है, जनता आपको प्यार भी देगी और वोट भी देगी। कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश, क्या मैसेज अपनी वोटरों को, आप वार्ड 12 के बाशिंदों को देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं इस वार्ड में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ यहाँ पर मैं इस वार्ड में, और बड़ा मुझे प्रेम स्नेह, मुझे मेरे परिवार को सब लोगों से आमजन से सबसे बड़ा प्रेम और स्नेह मिला है, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है। और मैं बड़ा हुआ हूँ सबके बीच में, पला बड़ा हूँ, और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि भी समाज सेवा के लिए मैं अपने जितनी भी मैं जिम्मेवारी के साथ जितनी भी मेरी वार्ड की समस्याएँ होंगी जी। किसी भी किस्म की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवरेज प्रणाली की समस्या जी, जो भी समस्याएं समाज के लोगों की, मेरे भाई बंधु हैं सभी के सभी, तो उनकी जो भी समस्याएं होंगी यहाँ बगैर कोई जातिगत भेदभाव। अब मैं चाहूंगा आपसे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे वोटरों को बताइए कि कौन से ऐसे काम है टिप पर जो आप कराना चाहेंगे एक पार्षद बनने के बाद। देखिए एक तो जो देखो लाइटिंग की व्यवस्था जितनी भी अभी मैं घूमा वार्ड के अंदर, तो लाइटिंग कहीं जगह पे नहीं है सुचारू रूप से, ट्यूब्स बिल्कुल। उसके बाद एक जो मेरे संज्ञान में बात आई है कि पानी की भी कई बार समस्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबवेल शायद नहीं है 12 वार्ड में, तो उसको मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि भी 12 का अपना एक खुद का ट्यूबवेल हो, कि लोगों को परेशान नहीं। उसके बाद क्या करने वाले? एक जो मेरे मन में है ये कि अपना हमारा जो माल गोदाम रोड है उस पर एक बच्चों बड़े बुजुर्गों सबके लिए एक साजला भी हुआ है, वो तो सबके लिए है, वो सुंदर सा पार्क एक बने, मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके अंदर एक आज यूथ विंग के मेरे लाडले भाइयों के लिए एक जिम हो जी, जिसके अंदर ओपन एयर जिम हो एक, जहां सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें मेरे साथी आगे अपने
सुबह का व्यायाम कर सकें सुबह शाम का। तो और क्या सक्षम है कुणाल मंगला ये सब काम जो कह रहे हैं आज, जो क्या वो कराने में सक्षम है? बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल मैं इस बात के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं सक्षम भी हूं कि मैं ये जो बातें आपको बोल रहा हूं मैं ये भरसक प्रयास करूंगा मैं कि जितने भी काम मैं बता रहा हूं आपको कि ये पूरा सुचारू रूप से करवाने के मैं बिल्कुल भरसक प्रयास। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, आपका कैंपेन यूं ही चलता रहे, जीत की दहलीज पर आप पहुंचे और आपके सर पर ताज सजे, कंचन टीवी शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए और मैं भी आपको आपका चैनल बड़ी दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे इस बात की शुभकामनाएं मैं भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से देता हूँ। तो ये थे कुणाल मंगला जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, व्यापारी हैं, सीधे स्पष्ट सी बात रखते हैं और कहते हैं विकास वो कराएंगे। चाहे बात की जाए उनकी रिश्तेदारी की, श्रवण गर्ग जो चेयरमैन है गौ सेवा आयोग के, हरियाणा सरकार में उनका भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं विकास की गंगा भी वो बहाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, कुणाल मंगला ने जो कहा कितना आप मानते हैं, क्या आप भी उन्हें बाहरी मानते हैं या फिर अफवाह फैलाई गई है विरोधियों के द्वारा, क्या विरोधी उनके बढ़ते हुए कद से डर रहे हैं, क्या उनकी जीत से वो आश्वस्त है, इसीलिए इसी तरह की जो उनके बारे अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही है या कोई और वजह है, क्या आप राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए, यशपाल कंचन।